हाँ तो प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम भेड़ की नस्लों की बात करने जा रहे हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने बकरी की नस्लों की बात की थी। भेड़ के जो पालने का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है उसकी ऊन। ऊन और मांस दोनों उद्देश्य होता है, पर भेड़ में ऊन प्रमुख उद्देश्य होता है, ऊन उत्पादन। और ऊन उत्पादन की बात आती है तो हमें तो यही पता है कि ऊन भेड़ से मिलती है। लेकिन हमने जब बकरी की नस्लों की बात की थी तो आपने देखा था कि दो तीन बकरी की नस्लें भी ऐसी है जिनसे भी ऊन मिली थी हमको। मोहियार ऊन मिली थी हमको अंगोरा नस्ल की बकरी से, हैं? आपको पश्मीना ऊन मिली थी कश्मीरी नस्ल की बकरी से। अंगोरा एक खरगोश आता है उससे भी हमको ऊन मिली थी, हैं? तो इस प्रकार से आपको उसका अंगोरा ऊन का नाम जो था अंगोरा ऊन अंगोरा नामक खरगोश से मिली थी। आप पिछले वीडियो को और ध्यान से देखना, इन चीज़ों को अलग अलग रखने में तभी आपको सुविधा होगी कि आपकी बकरी से भी ऊन मिल रही है और वो भी अलग अलग प्रकार की ऊन मिल रही है। यहाँ पर हम आज बात करेंगे भेड़ की नस्लों की और भेड़ की नस्लों से ऊन प्राप्त होगी और वो किस प्रकार से चर्चा करते हैं। भेड़ का वैज्ञानिक नाम है भैया ओविस एरिस। जीनस तो ओविस और स्पीसीज एरिज है। ओविस एरिज कुल बोविडी है, वो बकरी का भी था और भेड़ का भी है। इसकी सबसे पहली नस्ल जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं मारवाड़ी। मारवाड़ की जब बात आती है तो जोधपुर का नाम सबसे पहले आता है। मारवाड़ी का मतलब जोधपुर पाली नागौर सिरोही क्षेत्र इसका उद्गम स्थल रहा है। इस नस्ल की भेड़ का जो चेहरा होता है वो काला होता है। इस प्रकार की देखिए इन भेड़ों के क्या होता है, चेहरा काले चेहरे वाली नस्ल है। काले चेहरे वाली रोग रोधी और सूखा रोधी है। सूखा रोधी है, पानी के अभाव में दो तीन दिन तक बिना पानी पिए रह जाती है नस्ल की मारवाड़ी नस्ल की बकरियां। जो इसका ऊन मिलती है इन भेड़ों से, सॉरी बकरियां नहीं भेड़ों से जो ऊन मिलती है वो मजबूत कालीन बनाने के काम आता है। इस देखो अलग अलग उपयोग होता है ऊन का। किस कोई ऊन तो कपड़े बनाने में काम आएगी, कोई जो है कालीन बनाने के काम आएगी, कोई दरियां बनाने के काम आएगी। वो हमको याद रखना है कौन सी ऊन किस नस्ल की ऊन किस प्रकार की। किसी नस्ल के ऊन के धागे में मजबूती ज़्यादा होती है, किसी नस्ल के ऊन के धागे में सुंदरता ज़्यादा होती है, मजबूती कम होती है। तो उन चीज़ों को देखते हुए उनका उपयोग होता है, हैं? तो यहाँ पर जो मारवाड़ी नस्ल से ऊन मिलती है उसका उपयोग होता है कालीन बनाने में, कारपेट बनाने में काम आता है ये। मादा का भार 25 से 35 किलो है और नर का भार 30 से 40 किलो। 1 से 2 किलो ऊन हर साल इस नस्ल से मिल जाती है। ऊन मध्यम से मोटी किस्म की होती है इसलिए कालीन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बेहद फुर्तीली नस्ल होती है, लंबा सफर तय करने वाली नस्ल होती है। हमारे राजस्थान में आपने देखा होगा झुंड के झुंड जब मौसम बदलता है, चारे की कमी हो जाती है मारवाड़ में, तो कई दूसरे क्षेत्रों में झुंड के झुंड पलायन करते हैं। वो इसलिए कराते हैं कि उस क्षेत्र में चारा नहीं रहता है। इसलिए सफर लंबा सफर तय करने के लिए कौन सी नस्ल है भैया, मारवाड़ी। और अधिक अन्य नस्लों दूसरी जो नस्लें हैं उनकी तुलना में अधिक स्वस्थ नस्ल है कौन सी नस्ल, मारवाड़ी नस्ल। इस प्रकार की इसकी बनावट है देखो मारवाड़ी नस्ल की, ये काला चेहरा होता है और ये शरीर ऊन से ढका रहता है। जो कितनी ऊन दे देती साल भर में, 1 से 2 किलो ऊन प्रति भेड़ दे देती है। दूसरी जो राजस्थान की प्रमुख नस्ल है वो है चोखला नस्ल, बहुत पॉपुलर नस्ल है चोखला। और इसका उद्गम स्थल जो है शेखावाटी क्षेत्र है, सीकर झुंझुनू और चूरू। चोकला वेराइटी है ये, सींग रहित है, रोमन नाक है, इसमें सींग नहीं होते हैं। देखिए ये चोकला नस्ल की भेड़ है, सींग नहीं होते हैं और इसकी नाक चपटी होती है। मैंने पहले भी चर्चा की थी कि आपकी बकरी में जमुनापारी बकरी की बात की थी हमने, उसमें भी नाक कैसी होती है, चपटी रोमन नाक होती है। चोकला भेड़ में भी यही होता है। इसको राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। मेरिनो एक बहुत ही उत्तम गुणवत्ता की ऊन देने वाली जो है भेड़ है और इसको उसको चोखला को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है।
भारत की भी मेरिनो कहते हैं और राजस्थान की भी मेरिनो कहते हैं, किसको? चोखला नस्ल को। लेकिन इसके बच्चे सबसे ज़्यादा मरते हैं, मेमनों की मृत्यु दर सबसे ज़्यादा होती है। इसका जो ऊन है वो भी कालीन बनाने में, गलीचा बनाने में, कारपेट बनाने में उपयोग होता है। इसके पहले जो मारवाड़ी से ऊन प्राप्त हुई थी उसका भी यही उपयोग था, कालीन, गलीचा या कारपेट बनाने में, क्योंकि इसका धागे में मजबूती होती है। और इसका नर का, मादा का भार 27 से 33 किलो होता है, नर का 40 से 50 किलो होता है। वही मारवाड़ी के बराबर ही इसका ऊन उत्पादन है, 1 से 2 किलो प्रति वर्ष। और इसको मुख्य बात जो है यह राजस्थान और भारत की मेरिनो कहलाती है। रोमन नाक होती है, सींग रहित होती है, चोखला नस्ल का ये पशु इस प्रकार का होता है। चोखला नस्ल राजस्थान का मेरिनो, भारत का मेरिनो। अगली नस्ल लेंगे भैया मालपुरा, और ये मालपुरा के आसपास का क्षेत्र ही इसका उद्गम स्थल है। मालपुरा का आसपास स्थल कौन सा? टोंक जिले में मालपुरा आता है, पास में सवाई माधोपुर जिला है और जयपुर जिला नजदीक है। मांस के लिए उपयुक्त है, मालपुरा नस्ल को प्रमुख रूप से मांस के लिए पाला जाता है। और इसका एक उपयोग और किया गया CSWRI, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविका नगर। कहाँ पे है ये? अविका नगर में है, अविका नगर। और यहाँ पर इसका संकरण में उपयोग किया जाता है। अभी हम बात करेंगे आगे अविवस्त्र, अविकालीन नाम की नस्लें जो यहाँ विकसित की गई है CSWRI में, उसकी चर्चा करेंगे हम आगे। मालपुरा नस्ल से ही विकसित की गई है। इसका चेहरा हल्का भूरा व सफ़ेद होता है। इसका देखो इस प्रकार की भेड़ है, काला रंग नहीं है इसका चेहरे का। मालपुरा नस्ल है ये, कौन सी नस्ल है? मालपुरा नस्ल है। 25 से 32 किलो मादा का वजन, 32 से 40 किलो नर का वजन। इससे ऊन कम मिलती है, 1 से 1.5 किलो है, जो नमदा और गलीचे बनाने में काम आती है इसकी ऊन है। जबकि जो मारवाड़ी और जो आपकी इसके पहले हमने बात की जो राजस्थान की मेरिनो भी जिसको कहते हैं हम, चोखला, उन दोनों की ऊन उत्पादन थोड़ा ज़्यादा था है। मालपुरा को जो पालने का उद्देश्य है वो मांस उत्पादन है, मीट के लिए पाली जाती है। अब है भैया जैसलमेरी नस्ल, और जैसलमेरी नस्ल का उद्गम स्थल है जैसलमेर और जोधपुर। शरीर अन्य नस्लों से बड़ा होता है इसलिए अधिक मांस मिलता है जैसलमेरी नस्ल से। ये इसका जो ये इस प्रकार की जो भेड़ है ये, और ये शरीर बड़ा होने के कारण अधिक मांस मिलता है। कान एवं पूंछ लंबे, चेहरा इसका भी काले रंग का होता है जैसलमेरी का भी। पूर्णतः रेगिस्तान नस्ल है जो 3-4 दिन बिना पानी पिए रह सकती है। कौन सी नस्ल है? जैसलमेरी है। मादा का वजन 38 से 40 किलो और नर का वजन 40 से 50 किलो होता है। ऊन बहुत अच्छी मिलती है इसको, इसका शरीर बड़ा होता है तो मांस भी ज़्यादा पाया जाता है और ऊन भी 2 से 3.5 किलो प्रतिवर्ष मिलती है, जो कालीन बनाने के, उच्च गुणवत्ता का कालीन बनाने के काम आती है इसकी ऊन जैसलमेरी नस्ल की। अब ओरिजिनल मेरिनो नस्ल की बात करेंगे हम। अभी हमने राजस्थान की मेरिनो की बात की थी ऊपर, अब हम मेरिनो नस्ल पे आ गए। राजस्थान की मेरिनो या भारत की मेरिनो जिसकी बात की थी हमने, उसको चोखला को कहा था। किसको कहा था? चोखला को कहा था। ये चोखला नस्ल है और इसको राजस्थान का मेरिनो या भारत का मेरिनो कहा था। अब हम मेरिनो, ओरिजिनल मेरिनो नस्ल पर आ चुके हैं। विश्व की सर्वोत्तम, पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक और सबसे अच्छी गुणवत्ता की ऊन देने वाली नस्ल है मेरिनो। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? स्पेन, स्पेन में है। इसमें सींग पाए जाते हैं, घुमावदार सींग होते हैं नर में, मादा में सींग नहीं होते हैं। नर में इसके सींग होते हैं घुमावदार और मादा में सींग नहीं होते हैं। इसमें मादा को दिखाया गया फिलहाल, कोई बात नहीं। नर में घुमावदार सींग होते हैं परंतु मादा में सींग नहीं होते हैं। यह बेहद मजबूत नस्ल है मेरिनो, जो कि विपरीत जलवायु में भी जीवन यापन कर लेती है। संकरण के लिए भी उपयुक्त सर्वोत्तम नस्ल है, सर्वोत्तम नस्ल है संकरण के लिए भी। इसका ऊन उत्पादन देखिए आप, 5 से 9 किलो, बहुत ज़्यादा। 100 ग्राम ऊन उत्पादन देती है, 5 से 9 किलो, वो भी सर्वोत्तम गुणवत्ता की ऊन। कौन सी मेरिनो जो
नस्ल है। इसके नर पशु का भार तो 90 किलो होता है और मादा पशु का भार 70 किलो होता है। इसके गर्दन और कंधों की त्वचा में झुर्रियाँ पाई जाती है, सलवट पाई जाती है, बहुत सारी ऊन लगी रहती है उसके ऊपर। गर्दन और कंधों की त्वचा में झुर्रियाँ फोल्डिंग पाई जाती है, इस प्रकार की देखो आप, देखो ये गर्दन और यहाँ पर ये लपट रही है, पूरी फोल्डिंग हो रही है, इतनी ऊन पाई जाती है। 5 से 9 किलो ऊन देती है मेरिनो, वो भी उत्तम गुणवत्ता की ऊन देती है मेरिनो नस्ल, स्पेन की नस्ल है ये। अब हम बात करेंगे कराकुल नाम के भेड़ की। इस भेड़ में जो इसके छोटे बच्चों से जल्दी अवस्था में मारकर पेल्ट के लिए बहुत फेमस किस नस्ल है कराकुल। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है पेल्ट के लिए पाली जाती है, पेल्ट के लिए अभी बात करेंगे पेल्ट के बारे में। पहले देखो बात करते हैं, मध्य एशिया इसका उद्गम स्थल है। नर में सींग होते हैं, मादा में सींग नहीं होते हैं। मांस के लिए पाली जाती है और पेल्ट के लिए पाली जाती है, मांस के लिए पाली जाती है और पेल्ट के लिए पाली जाती है। पूंछ काटने की क्रिया को टोकिंग कहते हैं, ये पहले चर्चा कर चुके हैं। बकरियों में और भेड़ों में ऊन को खराब नहीं करे तो इसकी पूंछ काट दी जाती है, उसको कहते हैं टोकिंग। क्या कहते हैं? टोकिंग एक वर्ड है। तो पेल्ट की बात करें हम, पेल्ट के लिए जो आपकी कराकुल जो भेड़ है पेल्ट के लिए पाली जाती है। और जो पेल्ट क्या होता है, देखो आप, छोटे मेमनों को, कराकुल नस्ल के छोटे बच्चों को कम उम्र में, छोटे शिशुओं को मारकर उनकी त्वचा निकालकर काम में ली जाती है, वस्त्र और टोपियां बनाने में, टोपी और वस्त्र बनाने के काम में ली जाती है। बहुत ही उत्तम गुणवत्ता की त्वचा, जिस पर की बाल होते हैं, ऊन लगी साथ में होती है, ऊन वाली खाल होती है, वो खाल पे ऊन भी लगी रहती है। और ये बहुत महंगी कीमती त्वचा होती है जिसे वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये जो है कम उम्र के बच्चों को मारकर इसकी त्वचा, ऊन सहित त्वचा अलग कर ली जाती है, इसको पेल्ट कहते हैं। इसका जो कराकुल का जो मादा का भार है 35-40 किलो होता है, नर का 40 से 45 किलो होता है। इस प्रकार की ये भेड़ है ये, इसके छोटे बच्चों को मारकर पेल्ट अलग कर लिया जाता है। अब हम राजस्थान की संकरण से विकसित की गई नस्लों की बात करेंगे। हमारे CSWRI अविकानगर मालपुरा, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविकानगर मालपुरा में स्थित है, वहाँ पर 2 नस्लें भेड़ की विकसित की गई है गाय के द्वारा, संकरण करके द्वारा विकसित की गई है। दोनों ही अविकानगर में विकसित की गई है। एक तो है अविवस्त्र, एक है अविकालीन। क्या है? अविकालीन। इसका उपयोग तो कालीन बनाने में काम आएगा और इसका कुछ वस्त्र बनाने में काम आएगा, इसकी जो भेड़ वो ऊन है उसका। तो संकर किस किस का किया गया इसकी बात करें हम, अविवस्त्र में बात करें तो यहाँ पर चोखला जो थी किस्म नस्ल, जो कि जिसको कि हम क्या कहते थे, भारत की और राजस्थान की मेरिनो कहते हैं, चोखला की तो मादा को काम में लिया गया और रेम्बुलेट एक मेरिनो नस्ल का नर, मेरिनो नस्ल के नर को रेम्बुलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरिनो नस्ल के नर भेड़े को रेम्बुलेट कहते हैं। इन दोनों में संकरण कराकर क्या विकसित किया गया, अविवस्त्र नाम की नस्ल भेड़ विकसित की गई, जो कि 2 से 4 किलो ऊन हर साल देती है। अविवस्त्र नई नस्ल विकसित की गई है राजस्थान में, अविवस्त्र नाम से CSWRI मालपुरा में विकसित की गई है। देखिए आप, ऊन उत्पादन अच्छा हो गया। हमारी तो नस्लें 1.5-2 किलो ऊन दे रही थी राजस्थान की नस्लें, और ये कितनी देने लग गई, 2 से 4 किलो। अविवस्त्र कैसे देने लग गई, हमने संकरण कराया, किस किस में करवाया, चोखला में और मेरिनो के नर में, चोखला तो मादा। इसी प्रकार से एक नस्ल है अविकालीन, जो कि वही टोंक में अविकानगर में विकसित की गई। इसमें क्या काम में लिया गया, मालपुरा जो नस्ल है मालपुरा की लोकल, उसका तो मादा लिया और मेरिनो का वही नर जिसको रेम्बुलेट कहते हैं उसका नर लिया, उससे संकरण से जो बच्चा पैदा हुआ वो अविकालीन हुआ और उससे ऊन कितनी मिली, 1 से 3 किलो ऊन प्रतिवर्ष, कालीन उपयोगी ऊन, उन्नत किस्म की कालीन बनाने वाली ऊन प्राप्त हुई, इसको अविकालीन नस्ल का भेड़ कहा गया।
इसकी देखिए आप इस प्रकार की, ये तो अभी वस्त्र विकसित की गई है भैया है, और ये अभी कालीन विकसित की गई है। तो इन दोनों के आपको याद रखने पड़ेंगे। अभी वस्त्र में तो चोखला को लिया गया था मादा, और नर रेम्बुलेट को, मेरिनों का नर कह दो चाहे रेम्बुलेट कह दो कुछ भी पूछ सकता, दोनों चीज़ याद रखनी पड़ेगी। और अभी कालीन में मालपुरा की तो मादा और नर कौन सा, मेरिनों का नर, इसको रेम्बुलेट कहते हैं, और उसके संकरण से ये दोनों नस्लों का विकास किया गया। ये था आज की क्लास में भेड़ों की नस्लें। थैंक यू।